बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है द यंगेस्ट जीनियस अरफा करीम, सबसे कम उम्र दानिशमंद अरफा करीम। अरफा करीम वॉज बॉर्न इन 1995। अरफा करीम 1995 में पैदा हुई। एट द एज ऑफ 9 ईयर्स, 9 साल की उम्र में, इन 2004 शी रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट फॉर बीइंग द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड। उसने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हासिल किया दुनिया की कम तरीन उम्र में। शी वॉज इन्वाइटेड बाई बिल गेट्स टू विजिट द माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स इन USA। बिल गेट्स ने उसको मदऊ किया माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर जो अमेरिका में है उसकी सैर के लिए। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी विद हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। इट डेवलप्स, मैन्युफैक्चरर्स, लाइसेंसेस, सपोर्ट्स एंड सेल्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। ये क्या करती है, डेवलप करती है, सेल करती है, बनाती है कंप्यूटर और उससे मतलब चीज़ों को। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल जो हैं वो IT प्रोफेशनल होते हैं, IT टेक्नोलॉजी के, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड माहिर होते हैं अपने मुख्तलिफ चीज़ों के। तो जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होते हैं वो अपने लोगों को जो है वो कैसे कंप्यूटर को बिजनेस एनवायरनमेंट में इनकॉर्पोरेट किया जाता है वो सिखाते हैं। तो जो विलियम हेनरी गेट्स, बिल गेट्स का असल नाम है, ही बॉर्न इन 28 1955, अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, माइक्रोसॉफ्ट जो है ओनर है। तो सरमायाकार, ये मुख्तलिफ हमने जो नए लफ्ज़ सीखे हैं इनके मतलब हैं कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का, हिस्सेदार भी है, आर्किटेक्ट भी है और बहुत ज़्यादा फलाही काम करता है। तो ये बिल गेट्स और उसकी बीवी मेलिंडा बिल गेट्स ने एक फाउंडेशन बनाई है जो कि दुनिया में मुख्तलिफ जो काम है गरीब कंट्रीज़ में उनको सपोर्ट करती है, जैसे पोलियो इरेडिकेशन। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने बच्चों को और अपने छोटे बहन भाइयों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने चाहिए, ये भी बिल गेट्स इसको सपोर्ट करती है। इसके अलावा मलेरिया एक बीमारी है उसकी खात्मे के लिए काम करती है। इसके अलावा HIV और एड्स एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो कि जो लोग सिगरेट और दवाइयाँ पीते हैं, गलत किस्म की काम करते हैं और ये जो फुटपाथ पे बैठे लोगों से अपने दांत निकलवाते हैं उनसे फैलती है, उसको भी ख़त्म करने के लिए ये काम कर रही है। तो प्यारे बच्चों, हमारा तो अल्लाह हमें फरमाता है कि जो लोग खुशहाली और तंगदस्ती हर हाल में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, ऐसे ही नेक लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। और फिर अल्लाह ताला कहता है कि तुम नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो और जो कुछ तुम आगे भेजोगे वो अल्लाह के यहाँ पाओगे। तो हमें कमेटी डालनी चाहिए जिसका जो कमेटी हमारी आखिरत में निकलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि अगर तुम 1 रुपया खर्च करो तो मैं उसके बदले तुम्हें 700 या उससे भी ज़्यादा वापस करूँगा। जैसे एक बीज बोते हैं तो उसमें से छली में 700 दाने तक उगते हैं। ऑन रिटर्निंग टू पाकिस्तान, अरफा करीम वॉज गिवन अ वेरी वार्म वेलकम। जब वो पाकिस्तान वापस लौटी तो उससे बहुत गर्म जोशी से खुश आमदीद कहा गया। अरफा करीम शी वॉज इंटरव्यूड बाई ऑल द लीडिंग टेलीविजन चैनल्स, उसके एंड द न्यूज़पेपर, तमाम बड़े अखबारों और टेलीविजन चैनल्स ने उसके इंटरव्यू नशर किए, विच हाईलाइटेड हर अचीवमेंट्स, जिसमें उसकी कामयाबियों को उजागर किया गया। उसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा पढ़ लिख लेना। इन अगस्त 2005 अरफा करीम रिसीव द फातिमा जना गोल्ड मेडल इन द फील्ड ऑफ, अगस्त 2005 में अरफा करीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया कौन से मैदान में, फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रेजेंटेड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में। और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इसको अरफा करीम को दिया। तो प्यारे बच्चों,
हमें भी अच्छे और नेक काम करने चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।